हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आपके साथ प्लाजो में एक डिज़ाइन बनाना है पोंचे के अंदर, हमने वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक लुक आपको दिखा देती हूँ, जिस तरह ये वाला डिज़ाइन हमने प्लाजो के नीचे पोंचे के यहाँ पे साइड में बनाना है। जो आपकी ये लेग होती है, इसकी ये साइड में आएगा आपका। तो यहाँ पे हमने इस तरह का डिज़ाइन बनाना है। इसके लिए पहले बुकरम पे कटिंग होगी। एक एक लेग पे मैंने बना लिया है, दूसरी लेग के लिए यहाँ पे बनाना है। ये इस तरह है। ये जो हमारा फोल्डिंग का निशान है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो अंदर वाली साइड है वो हमने खुली छोड़ी हुई है, अभी सिलाई नहीं लगाई है। ये मेरा लाइनिंग वाला प्लाजो है। यहाँ तक हमने कपड़ा फोल्ड करना है, ये निशान है फोल्डिंग का, और उसके ऊपर हमने डिज़ाइन बनाना है। फोल्डिंग वाले में भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे पट्टियाँ नहीं लगेंगी, पट्टियाँ ऊपर ऊपर लगती हैं। तो यहाँ पे पहले मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से हमने ऊपर, ये तो जो फोल्डिंग है वो फोल्डिंग का है, वो तो है ही, लेकिन इसके ऊपर 4 इंच हमने अलग से लेना है। ये लीजिए, यहाँ पे ऊपर 4 इंच का निशान लगा लेते हैं, इतने में ये डिज़ाइन बनेगा। तो चलिए बुकरम पे पहले करते हैं कटिंग। बुकरम पे यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, थोड़ी सी बुकरम को इस तरह। ये जो फोल्डिंग की है हमने, 2 इंच की पट्टी फोल्ड की है। यहाँ पे जो हम लगाएंगे निशान, 1.25 इंच का, 0.75 का निशान लगाएंगे, ये इस तरह। ये हमारा 3 इंच नीचे है फोल्डिंग के लिए, और 4 इंच का ऊपर निशान है, तो यहाँ पे 7 इंच का ये लंबाई में लगेगा, ये इस तरह 7 इंच का लगेगा। और यहाँ पे भी 1.25 इंच का निशान लगाएंगे, 0.75 का, और इसे इस तरह सीधा कर लेंगे। और इस पट्टी को हमने फिर इस तरह कट करना है। ये देखिए, यहाँ से पहले ऊपर से कट कर लेते हैं, फिर इसके बीच का हिस्सा निकाल देंगे, इस तरह कट कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे इस तरह कट कर लिया है इसको, ये देख सकते हैं आप, इस तरह मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे पहले कपड़े के ऊपर जोड़ लेंगे, उसके बाद इसे प्लाजो पैंट में लगाएंगे। बहुत ही ईजी ये वाला डिज़ाइन है, बहुत आसान है ये, कोई भी बिगनर होगा वो भी इसे बना लेगा। इसे पहले हमने इस तरह कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है, इस तरह। और जो इसके बीच का गैप है वो हमारा 1.5 इंच का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि जो हमने कटिंग करी है वो 1.5 इंच के हिसाब से ही की है। अब हम इसे इस तरह कपड़े पे रख के फोल्ड कर लेते हैं। अगर आप पहले इसे सेट करना चाहते हो, कच्ची सिलाई लगाना चाहते हो, वो लगा सकते हो, अदरवाइज आप सीधा ही इसे फोल्ड कर दें। इसे हम यहां पे कट कर लेंगे। और इसे अब इस तरह सेंटर का निशान लगा लेंगे, इस तरह रखना है। और ये सेंटर का निशान यहाँ पे लगाना है, और पूरे में भी लगाना है इस तरह। और यहाँ पे ये साइडें मिला के यहाँ पे कट लगाना है। अब देखिए, इस तरह ये जुड़ गया है, और इस तरह हमने निशान लगा के रखा हुआ है पहले ही। अभी इस सेंटर से सेंटर को इस तरह मिला लेंगे पहले, और ऊपर का जो निशान है जहाँ पे हमने एंड देखना है, ये बिल्कुल एक्यूरेट लगा हुआ है जहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन बनना है। अब यहाँ पे एक पिन लगा लेते हैं इस तरह, और इसे अब इस तरह हम सिल देंगे। पहले हम इस तरह सेंटर का निशान रखेंगे इस तरह बराबर, और इसे सिलना शुरू करेंगे। और इस साइड को भी सिल देंगे। यहाँ पे नीचे कपड़े में झोल बिल्कुल नहीं आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे सिलाई लगी हुई है। अब ये निशान इस तरह हमने सिल दिया है इसके बिल्कुल बराबर रख के इसे। अब इसे कट करेंगे अंदर अंदर से। और यहां पे हमने ये जो कॉर्नर है इनको इस तरह कट करना है, ताकि यहां से फोल्ड अच्छी तरह हो जाए। अब ये निकाल देते हैं पिन, और इसे कपड़े को, ये देखिए, ये जो यहाँ पे कोई झोल नहीं आया है बिल्कुल भी। अब इस कपड़े को हमने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। यहाँ पे एक रफ सिलाई लगाएंगे पहले,
ये देखिए ये इस तरह बन गया है। अब हमने क्या करना है, जो ये फोल्डिंग का निशान है वो हमारा यहाँ पे लगा हुआ था, इसे पहले इस तरह सेंटर कर लेंगे। इसे सेंटर करने के बाद हम इस निशान को यहाँ पे बराबर कर लेंगे। ये निशान हमारा फोल्डिंग का जाएगा। और ये मैंने एक इस तरह पट्टी सिल ली है, ये मेरी मैचिंग शर्ट के साथ का कपड़ा है, इस तरह की मैंने पट्टी सी ली है, इसे हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2-2 इंच की, मैंने इस तरह 2-2 इंच की, इस तरह एक पट्टी मैंने 2 इंच की कट कर ली है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने ये जो पट्टी है 2 इंच की जो हमने कट सी ली है, इसे थोड़ा सा बढ़ाकर मतलब यहाँ पे 1.25 इंच के करीब, या ये इसको 1.25 इंच के करीब आप कट कर लें। आपने जो ये रखना है अंदर का गैप, ये 1.5 इंच रखना है। अगर हम 2 इंच की पट्टी कट करते हैं तो 1.5 इंच का गैप रह जाएगा, थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल देंगे। ये इस तरह सिल गया है, और इसे इस तरह रखेंगे और गैप देख लेंगे अभी इसके अंदर का। पहले यहाँ 1.5 इंच का गैप देख के ये है, यहाँ पे निशान लगा लेते हैं, और इसे हम इस तरह रखकर एक सिलाई लगाकर पहले पक्का करते हैं। ये सिलाई ओनली स्पोर्ट के लिए लगा रहे हैं, ये कि ये यहाँ से खुले ना। ये लीजिए, ये सिलाई हमने इस तरह लगा ली है। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे 1-1 इंच के निशान लगा देने हैं। यहाँ से 1-1 इंच के निशान लगा देंगे, 1, 2, 3, ये तो एंड वाला हो ही गया है। अब यहाँ पे भी 1, 2, 3, ये निशान लग गए हैं हमारे। अब जो ये वाली पट्टी है इसे हमने यहाँ पे रख के पहले देखना है, नापना है, इस तरह देखना है, यहाँ से तिरछा, इधर से भी थोड़ा बढ़ा के लेना है, इधर से भी थोड़ा बढ़ा के लेना है, इतनी पट्टी ये हमारी कट होगी। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा के ले लिया है, यहाँ से भी थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे, ये इतना आ जाएगा। अब इस साइज़ की हम पट्टियाँ कट कर लेंगे, थोड़ी सी, सारी पट्टियाँ इसी साइज़ की लगनी है। अब सबसे पहले हम इस पट्टी को यहाँ पे रख, इस साइड रख लेते हैं, जहाँ से हमारी सिलाई अभी चल रही है उस साइड से रख लेते हैं। इसे इसके बिल्कुल नीचे रख के सिलेंगे, इस पट्टी के बिल्कुल नीचे रखा है मैंने। यहाँ पे अब हम पट्टी को इस तरह क्रॉस करेंगे, ये देखिए इस तरह हमने 2 पट्टियाँ रखनी है, इस तरह क्रॉस करके, और इसे हम इस निशान पे रख लेंगे। अब हम फिर दोबारा से 2 पट्टियाँ इस तरह लेंगे, इसे इस तरह रख लेंगे, और इस निशान के नीचे रख के सिलेंगे। अब फिर दोबारा से इस तरह रखनी है, और इस निशान के नीचे रख के इस तरह सिल लेंगे। अब हमने पहले इसको सेट कर लेना है पट्टियों को, ये निशान लग चुके हैं। अब ये निशान हमने जो लगाए हुए हैं वो पहले इस तरह देख लेंगे। ये देखिए ये इस तरह आएगी, ये इधर जाएगी, ये इधर आएगी, ये वाली पट्टी यहाँ पे आनी है, ये इसके साथ आएगी, ये यहाँ पे एक पट्टी हमने और देनी है, यहाँ पे इस कॉर्नर में यहाँ पे एक पट्टी रखेंगे और उसे सिल देंगे। अब देखिए अब बनना है इसका डिज़ाइन, अभी अभी समझ नहीं आ रहा है, अब जब बनेगा तो पता चलेगा। अब ये वाली पट्टी है जो यहाँ पे आ जाएगी कॉर्नर में, अब ये जो गैप है ये बिल्कुल मेंटेन रहेगा इस पट्टी की वजह से। अब देखिए यहाँ पे डबल करना है इनको, ये जो निशान है यहाँ पे भी डबल करना है। अब ये वाली पट्टी इधर जाएगी, पहले सबको अंदर कर लेते हैं एक बार। इस तरह ये वाली इसके नीचे आ जाएगी,
अब ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन इस तरह आ गया है। अब क्या करना है, डिज़ाइन तो बन गया है, अब जो ये फोल्डिंग है हमारी, इसे फोल्ड करना है हमने। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ फोल्ड करेंगे, फिर हम बिल्कुल वो जो हमने निशान लगाया है यहाँ पे, जो एंड पॉइंट है वहाँ पे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह फोल्ड हो जाएगा। अब इस साइड भी इसी तरह फोल्ड कर लेते हैं। और इसे इस तरह रख के देंगे। अब ये लीजिए, ये हमारा दोनों साइड का डिजाइन बनकर कंप्लीट हो गया है, इधर का भी और इधर का भी। अब हम क्या करते हैं, इसे करेंगे इस तरह सेंटर, और यहाँ पोंचे को करेंगे बराबर, और अब हम यहाँ पे अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये जो यहाँ पे पोंचे की अब सिलाई लग जाएगी, उसके बाद फिर हमारा ये प्लाजो रेडी है। ये मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, ये हमारा पोंचे की साइड का डिज़ाइन हमारा बनकर रेडी है। ये इस तरह आपके बाहर की तरफ आ जाएगा, और ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर यहाँ पे मोती वगैरह लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज इसी तरह भी छोड़ दोगे आप तो ये बिल्कुल अच्छा लगता है। और ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्लाजो पैंट का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे हम किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।